होम थिएटर में इम्पोर्टेंट होता है एक बड़ी साइज की इमेज, एक बड़ा साइज का स्क्रीन, या हम बोल सकते हैं बड़े साइज का पर्दा। जितना बड़ा इमेज, जितनी बड़ी मूवी की सरफेस हमें मिलेगी, उतना बड़ा एंजॉयमेंट या सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलेगा। दोस्तों हमने यहाँ पे सिनेमैटिक यानी अकॉस्टिक स्क्रीन यूज की हुई है। आमतौर पे आप सभी सिनेमास में देखेंगे बड़ी स्क्रीन है और स्पीकर्स वूफर्स हमारे जो भी है वो इस स्क्रीन के पीछे है, तो हमें ये स्पेस प्रॉपर हम यूटिलाइज करते हैं ताकि हमें बड़ी सी स्क्रीन मिले। दोस्तों इस थिएटर में हमने सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए सराउंड साउंड, जिसे अभी आज की लेटेस्ट डॉल्बी टेक्नोलॉजी यूज की हुई है, ये डॉल्बी एटमॉस 7.4.4 का सिस्टम हमने इंस्टॉल किया हुआ है। दोस्तों हर एक स्पीकर्स को अपना इंडिविजुअल पावर एम दिया हुआ है ताकि पूरी सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिल सके। सिनेमास की फील घर में लाने के लिए होम सिनेमा का ही कंसेप्ट हमने फॉलो किया हुआ है। प्रॉपर इंस्टॉलेशन और कैलिब्रेशन के साथ जब ये थिएटर बनता है तो रियल लाइफ सिनेमा हम अपने घर में लाते हैं। होम थिएटर बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है होम थिएटर इक्विपमेंट मैनेजमेंट, यानी आपके थिएटर में इतने पावरफुल स्पीकर्स हैं तो उसको पावर ड्राइव करने के लिए आपके यहाँ पे इक्विपमेंट्स भी उतने कैपेबल होने चाहिए। आप थोड़ा नजदीक आइए, मैं आपको बताता हूँ। इस थिएटर में अगर आप देखेंगे तो मैंने इस रैक में अच्छे से इसको मैनेज किया है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका पावर मैनेजमेंट। जो भी आपका पावर इस रैक में जा रहा है उसको मैंने यहां से इसको कंट्रोल किया हुआ है। ये फिल्टर करता है पावर फ्लक्चुएशन को और पूरा नॉइस कैंसिलेशन करके ये पावर फिल्टर पावर ये पूरे रैक को प्रोवाइड करता है। सेकेंड पॉइंट है इसका होम सिनेमा प्रोसेसर। जो भी हमारे कंटेंट्स हैं वो इसमें प्रोसेस होके फिर ये नीचे स्पीकर मैनेजमेंट में डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर में जाते हैं। यहां से स्पीकर मैनेजमेंट में पास होते हुए सिग्नल्स आपके पावर एम्पलीफायर्स में जाते हैं। फ्रेंड्स ये सभी हाई एंड क्लास AB पावर एम्प्स हैं जो हर एक स्पीकर के अपने चैनल को इंडिविजुअल पावर मैनेज करते हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है, आपके पावरफुल स्पीकर्स को पावर देना जरूरी है ताकि जो डिजाइन किए हुए ऑडियो सिग्नल्स है, जिस हिसाब से मूवी को रिकॉर्ड किया गया है, या वो हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, आपको उस एक्सपीरियंस को फील करने के लिए आपके थिएटर के इक्विपमेंट की सिलेक्शंस और उसकी प्लानिंग एकदम परफेक्ट होनी जरूरी है। फ्रेंड्स जैसे मैं बता रहा हूं सर कि एक प्रीमियम होम थिएटर प्लानिंग में स्पीकर्स इतने इंपॉर्टेंट है, तो आइए उस पर थोड़ा नॉलेज डालते हैं कि हम किस तरह के स्पीकर्स सिलेक्ट करने चाहिए। दोस्तों यहां पे हम देखें ये इनवॉल स्पीकर्स हैं, 8 इंच कार्बन फाइबर वूफर और AMT रिबन ट्विटर 3.5 इंच। दोस्तों ये इनवॉल स्पीकर्स हैं, ये ऑलमोस्ट 300 वॉट RMS स्पीकर हैं, जो ये कस्टम इंस्टॉल सीरीज स्पीकर्स हैं। ये कंप्लीट वॉल माउंट वॉल फ्लश होते हैं, हम इस टाइप के स्पीकर्स रेकमेंड करते हैं और अपने होम थिएटर में यूज करें। सेकेंड थिंग है कि ऑन वॉल स्पीकर्स, प्रोफेशनल सिनेमाज में रिकमेंडेशन होता है कि हम ऑन वॉल स्पीकर यूज करें जिसकी पावर रेटिंग फ्रॉम 400 RMS टू 600 RMS पिक तक जाते हैं। तो आइए हम आपको क्या रिकमेंड करते हैं। दीज आर द ऑन वॉल पॉइंट सोर्स टेक्नोलॉजी स्पीकर्स। देखेंगे कि स्पीकर है और स्पीकर के बीच में हमारा ट्विटर है और उस ट्विटर को गाइड करने के लिए कास्ट आयरन इसमें हॉर्न लोडेड किया हुआ है ताकि ये वोकल और ट्विटर का साउंड दोनों सेम एक्सेस में आ सके। सो दोस्तों ये हाई एंड टेक्नोलॉजी है, दिस आर यूरोपियन ड्राइवर्स जो इसमें यूज किए हुए हैं। जब हम साउंड सुनते हैं तो ये नेचुरल साउंड विद अ वेरी प्रिसाइज हाई एंड डिटेलिंग के साथ ये देता है। सो दोस्तों होप ये आपको हेल्प करेगा अच्छे स्पीकर सिलेक्शन के लिए फॉर योर ड्रीम होम थिएटर। थैंक यू। इसी प्रकार के एक्सपीरियंस के लिए हमें कॉन्टैक्ट करें। सिनेवन होम थिएटर्स डायरेक्टर कंसल्टेंट हेमांशा। थैंक यू।